तो भाइयों क्या हाल चाल, आज हम बात करने वाले आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे वीडियो देख लिए होगी और आपने जितने भी वीडियो देखे वाले हैं वो सारे लॉजिकल है, उनका कोई ना कोई तथ्य है। बट आज हम जो बात करने वाले थ्योरीज के बारे में वो सारी थ्योरीज जो वो इलॉजिकल है और आप इसे फनी फैन मेड थ्योरीज भी कह सकते हो। तो मैं जो भी थ्योरीज आपको बताऊंगा उन्हें बिल्कुल भी सीरियसली ना ले, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया करते हुए वीडियो को करते शुरू। अवर फर्स्ट फनी फैनमेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज रफ्तार हैज़ हिज ओन एरिया 51। अगर आपको एरिया 51 के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि एरिया 51 अमेरिका के निवाड़ा में मौजूद एक टॉप सीक्रेट जगह है जहाँ पर रिसर्च करा जाता है। और क्या रिसर्च करा जाता है ये किसी को नहीं पता, वहाँ पे किसी नॉर्मल पर्सन को एंट्री नहीं है। एंड दैट एरिया अंडर वेरी हाई सिक्योरिटी, कहा जाता है कि वहाँ पे एलियन के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है और कोई कहता है कि वहाँ पे सीक्रेट मिसाइलें बनाई जाती है। कम बैक ऑन द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सम फैन रफ्तार आल्सो हैज हिज ओन एरिया 51। ओके, रफ्तार भाई के पास भी एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे वो किसी को जाने नहीं देते और उस जगह की खासियत यह है कि वहाँ पे ग्रेविटी लेवल हाई है एज कम्पेयर विद नॉर्मल ग्रेविटी लेवल ऑफ अर्थ। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड अगर आपने थोड़ी बहुत स्पेस फिजिक्स पढ़े वाली रहेंगी तो आपको पता होगा कि ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ टाइम, यानी कि ग्रेविटी लेवल हाई है तो टाइम का रेट भी कम है। इसका मतलब ये होता है कि रफ्तार भैया जब उस जगह के अंदर जाते हैं और उस जगह की जब वापस आते हैं तो बाहरी दुनिया में काफ़ी समय बीत चुका होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही लॉसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉन्ग रिलीज। भाई दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जब वापस आते तब बाहरी दुनिया में कहीं महीने और साल बीत जाते। तो लगी ना ये थ्योरी बिल्कुल लॉजिकलेस, रुको और दो आनी बाकी है। एंड आवर सेकेंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज अ फेक गिव्स फेक रिएक्शन। तो अगर आप हिप हॉप ट्रैक सुनते हो तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी गाने का तो रिएक्शन देखा ही होगा। उसमें से एक फेमस रिएक्टर है अफेक। अपने भाई का अगर रिएक्शन देखा होगा किसी सॉन्ग का तो ये ऑब्जर्व करा रहेगा कि जो कॉम्प्लेक्स बार्स रहते वो भाई पहले ही झटके में पकड़ लेते एज कम्पेयर विद अदर रिएक्शन चैनल्स। एंड दैट्स वाई भाई के बारे में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो फेक रिएक्शन करते, यानी कि वो सॉन्ग को पहले सुन चुके होते, देख चुके होते, वो भी बिना गॉगल के। और वो जब रिएक्शन करते तो गॉगल इस कारण लगाते क्योंकि कोई उनकी आँखों को पढ़ ना ले, किसी को उनकी आंखों में झूठ दिखाई ना दे कि उन्होंने गाना ऑलरेडी सुन रखा है, देख रखा है। बट पर्सनली आई थिंक कि भाई जो रिएक्शन करते वो रियल रहता है। और बात करें गॉगल की तो यार उनका स्टाइल हो सकता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वो जो चश्मा है वो स्टाइलिश नंबर का चश्मा हो सकता है जिसके बिना उनको कुछ दिखाई ना दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आते हैं इस वीडियो की लास्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, एंड दैट इज़ बेला सफरिंग फ्रॉम द डिसीज इंसोमिनिया। इंसोमिनिया के बारे में आपको बताऊँ तो इंसोमिनिया एक स्लीपिंग रिलेटेड डिसीज है जिसमें कि पर्सन को नींद नहीं आती। और सोचो जब बेला भाई को नींद नहीं आती होगी तो वो क्या करते होंगे? ऑब्वियसली जो उनको आता है वो है गाने बनाना। आप देख सकते हो लास्ट 4 मंथ में भाई के चैनल पर कुल मिला के 26 सॉन्ग्स रिलीज हुए, वो भी सिर्फ उनके चैनल पर, नॉट इंक्लूडिंग कोलैब विद अदर आर्टिस्ट और बॉलीवुड। हर महीने भाई करीब 6 से 7 गाने रिलीज कर रहे हैं एंड इट लुक्स रियली एबनॉर्मल। तो कैसी लगी आपको ये फनी फैन मेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज? फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कृपया इन थ्योरीज को सीरियसली लेके कमेंट में गन ना फैलाए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो यू नो व्हाट यू वांट टू डू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।